हमारा लास्ट टॉपिक तो रह गया है, वो ये है ये मैंने पढ़ा चुका था, मैं भी पर वीडियो में थोड़ा साउंड इशू हो गया था तो दोबारा से पढ़ाना पड़ रहा है। ठीक है, ब्रेन ड्रेन हमारा लास्ट का टॉपिक तो रह गया हमारा, ब्रेन ड्रेन। ब्रेन ड्रेन, ब्रेन ड्रेन का मतलब क्या है? ब्रेन ड्रेन मतलब है हमारी कंट्री से पढ़े लिखे लोगों का चले जाना, हमारी कंट्री से पढ़े लिखे लोगों का चले जाना। और आप बताइए, अच्छी बात है, गलत बात है? ये गलत बात है। हमारी कंट्री डिपेंड है पढ़े लिखे लोगों पर, कि पढ़े लिखे लोग अपना एक्सपर्टाइज यूज़ करेंगे बाद में यहाँ पर हमारी कंट्री को डेवलप करेंगे, पर ये लोग तो यहाँ से चले गए, ये लोग तो यहाँ से चले जा रहे हैं दूसरी कंट्री में, और दूसरी कंट्री को क्या करेंगे, डेवलप करेंगे। तो ये तो गलत है, ये तो हमारे साथ गलत है। तो ब्रेन ड्रेन एक प्रॉब्लम है, ब्रेन ड्रेन की एक प्रॉब्लम है। ठीक है, तो लिखा हुआ है ब्रेन ड्रेन रेफर्स टू द डिपार्चर ऑफ एजुकेटेड और प्रोफेशनल पीपल। मम्मी गेट बंद कर दो। ब्रेन ड्रेन रेफर टू द डिपार्चर ऑफ एजुकेटेड प्रोफेशनल पीपल फ्रॉम द कंट्री। ब्रेन ड्रेन मतलब क्या? आपके यहाँ से चले, किसका चले जाना? डिपार्चर मतलब चले जाना, चले जाना किसका? चले जाना एजुकेटेड लोगों का और प्रोफेशनल लोगों का, आपकी कंट्री से चले जाना, चले जाना। ठीक है, या तो आपकी कंट्री से चले जाएँ, या फिर एक एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में चले जाएँ, या फिर एक जगह से दूसरी जगह पर चले जाएँ। ठीक है, किस लिए? रीजन क्या हो सकता है? सर अच्छी सैलरी के लिए, पे मतलब सैलरी, पे मतलब सैलरी, अच्छी सैलरी के लिए, या फिर फॉर बेटर लिविंग कंडीशन हो सकता है, अच्छे लाइफ स्टाइल के लिए वो चले जाएँ, तो वो ऐसा हो सकता है, वो जा सकती हैं। ठीक है, इट इज़ द प्रोसेस इन विच अ कंट्री लूजेज इट्स मोस्ट एजुकेटेड एंड टैलेंटेड वर्कर्स। एक ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर, ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर एक कंट्री अपने मोस्ट एजुकेटेड और टैलेंटेड लोगों को खो देती है, लोगों को खो देती है। ठीक है, थ्रू माइग्रेशन द ट्रेंड ऑफ ब्रेन ड्रेन इज कंसिडर्ड अ प्रॉब्लम। ये जो ब्रेन ड्रेन है ना, इसको प्रॉब्लम समझाता है। प्रॉब्लम क्यों समझाता है? अरे मैंने बताया ना, आपके यहाँ के पढ़े लिखे लोग दूसरी कंट्री में जा रहे हैं, आपकी कंट्री की डेवलपमेंट की जगह वो दूसरी कंट्री की डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करेंगे, तो ये तो प्रॉब्लम है ना। तो खैर, इसको प्रॉब्लम समझाता है, बिकॉज इन दिस द मोस्ट हाईली स्किल्ड और कॉम्पिटेंट इंडिविजुअल्स लीव द कंट्री एंड दिस पीपल कंट्रीब्यूट देयर एक्सपर्टाइज टू द इकॉनमी ऑफ अदर कंट्रीज। जो हमारे यहाँ के हाईली स्किल्ड लोग जो होते हैं, कॉम्पिटेंट जो लोग होते हैं, वो अपना एक्सपर्टाइज कहाँ पर यूज करते हैं? टू द इकॉनमी ऑफ अदर कंट्रीज में। तो ये तो गलत है ना, हमारे कंट्रीज के लोग हैं तो हमारे कंट्री में करना चाहिए। दस द कंट्री दे लीव सफर इकोनॉमिक हार्डशिप, इसलिए जिस कंट्री को छोड़कर जाते हैं उस कंट्री को थोड़ी प्रॉब्लम होती है। और इट इज अ लॉस ऑफ अकेडमिक एंड टेक्नोलॉजिकल लेबर फोर्स फॉर द कंट्री, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? इसको लॉस भी कहा जाता है। पहले मैं चेक करूँ, इतनी वॉइस क्लियर आ रही है? नहीं आ रही है ना, अभी मैं तो नहीं पढ़ा रहा हूँ।